सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं खड़ा हूँ मार्बल की माइंस के बिल्कुल सामने। तो अभी तो मैं आपको यहाँ से इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ, और अभी जैसे ही लाइट आती है तो हम उस माइन के अंदर जाएंगे। और उसके अंदर जाने का रास्ता कैसे है और अंदर कैसे जाते हैं वो मैं सब आपको दिखाऊँगा। अभी उससे पहले मैं आपको पूरी माइन दिखा देता हूँ यहाँ से कैसी दिखती है मार्बल की। सो ये पूरी माइन है, आप देख सकते हैं नीचे। सो भैया कितनी गहरी है ये माइन? सर ये माइन तकरीबन 333-340 फुट गहरी है। और मार्बल कौन सा है ये वाला? इसको अपन बोलते हैं फैंटेसी ब्राउन मार्बल। फैंटेसी ब्राउन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस मार्बल का जो नाम तय किया गया है वो फैंटेसी ब्राउन मार्बल। इसका एक्सपोर्ट भी होता है, ये अमेरिका, चाइना, श्रीलंका, इटली, हर जगह यहाँ से अपन डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लोकल भी इनके पत्थर बनते हैं जो अपने इंडिया किशनगढ़ के अंदर इनके परचेज सेल होते हैं। और ये वाली क्रेन्स किस यूज़ में आती है जो ये लगी हुई है ऑरेंज वाली? ये जो क्रेन है ये तकरीबन 50 टन वजनी कैपेसिटी की होती है। इनका बेसिक काम ये होता है कि इनका मलबा खान के ब्लॉक, मशीनरी, इन सारे आइटमों को ये ऊपर नीचे ले जाने के काम में आती है। इसकी कैपेसिटी जो पावर है वो 50 टन तक की है, मतलब 50 टन तक का वजन अंदर से बाहर निकाल सकती है। सो अभी हमें अगर नीचे जाना है तो हम कैसे जाएंगे उसमें? नीचे भी लेके जाते हैं सर। सामने देखिए वो आपको एक डोला दिख रहा होगा लटका हुआ, उस डोले के अंदर बैठ के नीचे जाना पड़ेगा सर। सो ये यहाँ पे आ रही है हमारी लिफ्ट। तो ये हमारी लिफ्ट जा रही है अभी नीचे। भैया कितना नीचे जाएंगे अभी हम? अभी हम जाएंगे 350 फुट नीचे। दोस्तों तैयार हो जाओ 350 फुट नीचे जाने के लिए मार्बल की माइन में। वो क्रेन वहाँ से ऑपरेट हो रही है। हाइट से भी नीचे आ गए पूरा।
तोड़ना पड़ा है पानी का, आप लोग ना मार दो। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ नीचे 350 फीट नीचे आ गया हूँ माइंस में। सारी माइंस आपको चारों तरफ मेरे दिखाई दे रही होगी, पूरा का पूरा मार्बल है ये। और ये पीछे आप देख रहे हैं हमारी फिर जिससे अभी हम आए हैं। देख लो भाई एक अलग ही दुनिया है ये भी। अभी मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट पर्सन में भी शॉट्स दिखा देता हूँ। देखिए माइन कितनी गजब लगती है नीचे से, क्या माइन ग्लो कर रही है। ऊपर की आप वो शेड देखिए, धूप जो पड़ रही है उस पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। थोड़ा सा नीचे और है मेरे ख्याल से माइन, यहाँ तक माइन पूरी खुद चुकी है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, यहाँ तक पूरी माइन। को खोद दिया गया ये जो क्रेन यहाँ पे नीचे आई है उसका सेंटर पॉइंट ये इसी क्रेन पे था, तो इस क्रेन को ही नीचे लाया गया है। वो कॉर्नर वाली क्रेन को दूसरी साइड माइन के ले जाया जाता है। सो सबसे डीप ये सेंटर पॉइंट था जो हमें नीचे यहाँ तक ले गया है। तो इसको काटना है, पहले अपन क्या करेंगे, राडे होती है और एक ड्रिल मशीन होती है, राडों से क्या इनका हॉल मिलता है, इधर से हॉल मिलेगा, उधर से हॉल मिलेगा, ऊपर से हॉल मिलेगा। उसके बाद में एक माला जैसी माला के टुकड़े देखिए, ऐसी लोहे की माला होती है, उस लोहे की माला से इसको अपन फ्री कर लेते हैं काट के। काटने के लिए ये मशीन वायरसो मशीन है, फ्री होने के बाद में अपन LNT मशीन लगा के इसको नीचे घेर लेते हैं। नीचे घेरने के बाद फिर इसी मशीन से और अपन ऐसे ब्लॉक काटते हैं, ब्लॉक को कटने के बाद अपन ऊपर लेके जाते हैं। सर ये आपको एक वॉच टावर दिखाता हूँ, यहाँ से नीचे देखने के लिए बना हुआ एक। ये मार्बल जो है वो नीचे निकलेगा इस पूरी माइन में, सेम मार्बल निकला है। यहाँ से बैठ के आप पूरी माइन का मज़ा ले सकते हैं। तो गाइस अपने को करने हैं अलग अलग एडवेंचर और ये एक नया एडवेंचर मैंने आपको दिखा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट भाई, और बढ़िया बढ़िया एडवेंचर दिखाएंगे आपको। जितने भी मुझे एडवेंचर करने हैं मैं सब आपको दिखाऊंगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।